दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों तुम लोग देख पा रहे हैं लेखपाल न्यू भर्ती विज्ञापन 2023। यानी अगर कहा जाए लेखपाल के नए भर्ती का विज्ञापन आपके बीच में बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल पदों की बात आपके बीच में कही जा रही है 12,000। ठीक है, आप सभी को पता है 8,085 का जो मामला है अभी वह प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन इस मामले के जैसे ही निपटारण होता है तत्काल आपके बीच में 12,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नीचे यहाँ देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है कब तक आएगी भर्ती, देख लो सच्चाई। बिल्कुल इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपसे बात करेंगे कि आखिरकार इस 12,000 पदों के लिए आपके बीच में भर्ती कब देखने को मिलेगी। यहाँ पेट 2022 के तहत न्यू भर्ती, जाहिर सी बात है यह जो 12,000 पदों की भर्ती आपके बीच में देखने को मिलेगी यह पीएटी 2022 में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सभी इसमें एलिजिबल होंगे। यहां उसके नीचे देख पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार कितने पद रिक्त हैं। अच्छा, यहां 12,000 की बातें तो आपसे कही जा रही हैं, लेकिन हम आयोग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कितने पद रिक्त हैं उसके लिए हम आपको एक पेपर कटिंग दिखाना चाहेंगे जो कि आज के सभी न्यूज़पेपर में जो है यह विस्तृत रूप से छपी हुई है। चलिए देखिए आपके बीच में लगा है, आप देख पा रहे हैं लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली। देखिए यहां हमने आपको पहले भी बता दिया और आप सभी इससे परिचित भी हैं, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 8,085 देख पा रहे हैं, 8,085 पदों पर भर्ती पूरी होने का इंतज़ार। यह भर्ती जैसे ही पूरी होती है तत्काल आपके बीच में नए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अंतर्गत कहा जा रहा राजस्व परिषद में लेखपाल के 12,000 जो है 696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं, इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा करा ली है, परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग नया अध्याचन भेजेगा, पद खाली होने से नहीं हो पाता तबादला। देखिए हर लेखपाल या अगर कहा जाए कोई भी कर्मचारी है उसकी प्रबल इच्छाएं होती हैं कि हम जिस पोस्ट पे हैं उससे ऊपर हमारा तबादला हो जाए। यहाँ देखिए जितने भी हालांकि ये चीज़ें आपके काम से बाहर हैं, ठीक है, बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को देख पाए हैं, हमने उम्मीद किया है। अच्छा, यहाँ आप जो पूछ रहे थे कि आखिरकार जो आपके बीच में पूछा जा रहा था कि कब तक आएगी भर्ती, अगर हम इन भर्तियों की बात करें, अगर कहा जाए जो 12,000 भर्ती की बात कही जा रही है, हम आपसे कहना चाहेंगे जैसे ही जो 8,085 पदों का मामला है वह पूरी तरह से फिनिश होता है तत्काल आपके बीच में इन 12,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है 8,085 का जो मामला है वह कहीं ना कहीं कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और मामला आपका डबल बेंच में भी जा चुका है, लेकिन डबल बेंच जाने से कोई आपको उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फाइनल सुनवाई 16 तारीख को होनी है, अगर 16 तारीख वाली सुनवाई फाइनल हो जाती है तो आपका जो 8,085 पदों का मामला है वह बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द निपट जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, आपके बीच में लेखपाल के 12,000 पदों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जारी किया जाएगा। अगर आप 8,085 के तहत सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए 12,000 हमेशा दरवाजे खुला है। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।